क्वेश्चन इंटीग्रेशन रूट अंडर 3x-5 dx. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट अंडर 3x-5 dx. तो इसको भी हम बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे. तो पहले इसमें पुट करेंगे, पुटिंग 3x-5 इक्वल टू t². जब भी कोई रूट अंडर वाले फंक्शन हो तो उसको हम t² लेके सॉल्व करेंगे, तो वो इजी से सॉल्व हो जाएगा. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये होगा 3 dx और t² का होगा 2t dt. सो देयरफॉर dx इक्वल टू 2t अपॉन 3 dt. सो देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको हमने लेट लिया था 3x-5 को t² लिया है, तो अगर हम यहाँ पे t² पुट करेंगे तो ये t होगा और इस dx के प्लेस में होगा 2t/3 dt. और इसमें कांस्टेंट जो है वो है 2/3 और t को t से मल्टीप्लाई करेंगे t²dt. सो 2/3 इंटू, और इसमें अब हम x^n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये t^2+1/2+1+c. सो इक्वल टू 2t³³ ये नीचे 9 होगा. सो इक्वल टू 2/9 और t की वैल्यू है 3x+5 इक्वल टू t² है और यहाँ पे t³ है, तो हम सिंपली इसमें लिखेंगे 3x-5^3/2+c आंसर. और इसको हम अनदर मेथड से अब हम इसको सॉल्व करते हैं. f(ax±b)dx इक्वल टू, इसको हम लिख f(ax±b)/a+c. तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं. पहले तो इसको पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं, 3x-5^5 ये होगा 1/2 dx. तो इसमें x^n वाले फॉर्मूला यूज होंगे, तो ये होगा 3x-5^1/2+1/1/2+1 और x का जो कोफिशियंट है वो है 3+c. सो इक्वल टू 3x-5^3/2/3×3/2+c. सो इक्वल टू ये होगा 2/9 और 3x-5^3/2+c आंसर.